ज़्यादा माइलेज चाहते हैं तो ये 7 गलतियां बिल्कुल भी ना करें अपने बाइक के साथ। अगर आप अपनी बाइक की कम माइलेज से परेशान हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा माइलेज मिले तो यहाँ हम आपको 7 ऐसे ज़रूरी और आसान टिप्स बता रहे हैं जिसकी मदद से आप अपनी बाइक की फ्यूल को बचा सकेंगे और आपको इसके बाद मिलेगी ज़्यादा माइलेज। तो पहली गलती जो हम लोग करते हैं कि हम लोग बार बार क्लच का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइविंग करते समय क्लच न दबाएं। अक्सर देखने में आता है कि लोग हाफ क्लच दबाकर बाइक चलाते हैं जिससे माइलेज पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही इससे इंजन को भी नुकसान होता है। इतना ही नहीं, अगर क्लच टाइट होने लगे तो उसे तुरंत ठीक करवा लीजिए वरना क्लच प्लेट जो है वो आपका तुरंत खराब हो जाएगा। हम लोग ये भी गलती करते हैं कि जब हमारी गाड़ी हाई स्पीड पर रहती है तो उस समय हम लोग गियर को लो में करते हैं, तो इससे बचें। जब बाइक हाई स्पीड में हो तो उस समय लो गियर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे इंजन पर असर पड़ता है और फ्यूल की खपत भी बढ़ती है। क्योंकि जब हम लोग गियर कम करते हैं तो इंजन हमारा अपने आप जो है वो फास्ट हो जाता है और इंजन को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इससे हमारा तेल भी ज़्यादा खपत होता है। इंजन को सामने से कवर ना करें। अक्सर लोग इंजन को आगे और साइड से किसी चीज़ से कवर कर देते हैं यह सोचकर कि इंजन गंदा नहीं होगा, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसे करने से इंजन को ठंडा होने में दिक्कत होती है क्योंकि उसे बाहर की हवा नहीं मिल पाती और इंजन का तापमान जो है वो लगातार बढ़ते चला जाता है, और ऐसे में न सिर्फ इंजन को नुकसान होता है बल्कि इससे फ्यूल की खपत भी बढ़ती है। ब्रेक पैडल को दबाकर न रखें। अक्सर गाड़ी चलाते समय ब्रेक पैडल को दबाकर न रखें। हम सभी ये गलती करते हैं कि गाड़ी चलाते समय हम लोग ब्रेक पैडल को दबाकर रखते हैं, तो गाड़ी चलाते समय ब्रेक पैडल को दबाकर न रखें। इससे टायर्स ब्रेक मोड में चले जाते हैं जिसकी वजह से इंजन को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, और जब ऐसा होता है तो फ्यूल की खपत अपने आप बढ़ जाती है। 30 सेकंड से ज़्यादा रुकना पड़े तो इंजन को बंद कर दें। ड्राइविंग के दौरान अगर आपको सिग्नल या किसी भी परिस्थिति में 30 सेकंड से ज़्यादा रुकना पड़े तो इंजन को बंद कर दें। ऐसा करने से आप काफ़ी फ्यूल की बचत कर सकते हैं। धूप में बाइक को पार्क ना करें। अक्सर लोग धूप में बाइक को पार्क कर देते हैं। ऐसा करने से बाइक के फ्यूल टैंक में मौजूद पेट्रोल अपना रूप बदल कर गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। हालांकि यह बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक धूप में बाइक पार्क करने से फ्यूल कम होते जाता है, इसलिए हमेशा अपनी बाइक को किसी ठंडा जगह पर ही पार्क करें। टायर में एयर प्रेशर कम ना होने दें, क्योंकि अगर एयर प्रेशर कम होगी तो इसका असर सीधा इंजन और ड्राइविंग पर पड़ेगा। हवा कम होने की वजह से इंजन को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा ताकत की जरूरत होगी और फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, तो टायर्स में सही एयर प्रेशर होने से बाइक हल्की चलती है और माइलेज भी बढ़ जाती है। तो इन 7 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली माइलेज जो है वो 30% तक इंक्रीज हो जाएगा। आप हमें इस वीडियो के नीचे बताइए कि आपने क्या क्या गलतियां जो है वो की है और किसके वजह से आपका पेट्रोल जो है वो ज़्यादा खपत हो रहा है आपके गाड़ी में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।